ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि यह टैक्स श्रद्धालुओं की श्रद्धा से लगाया गया है ते जिसनू लेके भाजपा तो हरजीत गरेवाल ने कहा कि फैसला नहीं अधिकारियों तो तकनीकी गलफत हुई है, सरकार इस फैसले नू जल्द वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अपना पक्ष रखा ते कहा कि केंद्र सरकार वालों श्री दरबार साहिब नेड़े स्थित सरावां ते 12% जीएसटी लगाउण दे फैसले दी सख्त निंदा करदा हां। धर्म स्थान सब दे सांझे हुंदे ने, इह टैक्स श्रद्धालुआं दी श्रद्धा ते लगाया गया है। केंद्र नूं अपील, तुरंत इस फैसले नूं वापस लिया जावे। इस फैसले नूं लेके विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने अपना प्रतिक्रम दिंदे कहा कि यह फैसला बहुत ही मंदभाग है जो श्रद्धा ते भी टैक्स लाया जावे। कि गुरु घर थरावां उपर यह जिहड़ा जजिया केंद्र सरकार वल्लों लाया गया यह वापस लिया जाए ताकि चंगा सुनेहा संगतां देश और दुनिया दे विच जा सके। हरजीत गरेवाल का कहना है कि यह किसी अधिकारी तो गलती हुई है, यह फैसला नहीं है, यह सरकार जल्द ही इस फैसले नूं वापस लेगी। जल्दी ही सरकार इनू करैक्ट कर देगी। ये अधिकारियों की या बाकी लोगों की गलती है जिदे च होया, और मैं समझा कि होर भी जिहड़े सेवा वाले स्थान ने जिथे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुंदी वो बाकी धर्मां ते भी इस तरह का ये लागू होना चाहिए, पर दरबार साहब के उपर होना बड़ी मैं समझा किसी अधिकारी की गलती है, वह भी मंदभागी गल आ। तो असी माफ़ी भी चाहते हैं और इस वापस भी सरकार लेगी। श्री दरबार साहिब दीआं सरावां ते लाया जीएसटी सियासी आगुआं नूं भी वड्डा मुद्दा दे दित्ता ते हर पासे इस फैसले दी निखेधी कीती जा रही है। उधर एसजीपीसी ने इस फैसले नूं जल्द वापस लैण दी मंग कीती है ते उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार एसजीपीसी दी मंग ते गौर फरमाएगी। अमृतसर तों परमवीर औलख दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।